अब मौजूदा दौर में और भी नए नए लोग निकलते आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती कि किसी एक मुफ्ती पर इत्तेफाक कर लें जो आपके मुल्क में एक बड़ा है, कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कोई मुसलमान इस बीमारी में फौत हो जाता है तो उसकी नमाज जनाजा, उसका गुसल, उसका कफन, उसका दफन, ये चार चीज़ें होती हैं, वो हमने क्या करना है। और ये जो तबसरे करने वाले लोग हैं, थोड़ा सा वो सोचें कि क्या अगर उनकी अल्लाह न करे इस बीमारी में मौत आ जाती है, क्या वो गवारा करेंगे अपने लिए कि उनको बगैर गुसल के, बगैर कफन के इस तरह कब्र के हवाले कर दिया जाए। खुद सोचें, क्या मैं अपने लिए गवारा करता हूं? दूसरों के लिए आप राहें निकाल रहे हैं कि ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, गुसल की जरूरत नहीं, कफन की जरूरत नहीं, ये कर लेंगे। भाई पहले देखें कि ये चीज मैं अपने ऊपर लागू करने को तैयार हूं कि ये चीज मेरे ऊपर लागू हो जाए। हाँ, अगर मैं अपने लिए इसे कबूल करने को तैयार हूं तो फिर दूसरे के बारे में बात करें। इस पर भी मुफ्तियाने दीन से जो मुस्तनद हैं, मुस्तनद के क्या किया जाए, बजाय इसके कि हर बंदा अपनी राय देने लग जाए, मुझे नहीं इल्म दीन के मसाइल का मेरे दोस्तों, तो मैं उस पर बहस करता हुआ नजर आऊं, मैं बातें करता हुआ नजर आऊं, ये हो जाना चाहिए, ये वो चीजें हैं जो आज हमें जिनसे वास्ता पड़ रहा है। पता नहीं आप लोगों ने कभी जिंदगी में सुना होगा मस्जिदें बंद हुई, या कभी ऐसा वक्त भी आया कि बगैर गुसल के, बगैर कफन के, या तयम्मुम कराकर, या उसको प्लास्टिक के थैलों में लपेटकर कब्र के हवाले कर दिया गया। ये चीजें वो हैं जो आपकी और मेरी बहस की नहीं, ये मुफ्तियाने दीन का काम है। खसूसन इस पर भी हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मद्दजिल्लू से दरख्वास्त करूंगा कि इसमें भी पूरी उम्मत की रहनुमाई करें कि आया अल्लाह न करे कोई मुसलमान इस बीमारी में मर जाता है, उसका क्या होगा। मेरे दोस्तों, ये कुफर के वो प्रोपेगंडे थे जो सदियों से चल रहे थे कि किसी तरह मस्जिदें और मदरसे बंद हों, वो इस बीमारी के नाम पर किसी न किसी तरीके से कामयाब होना चाहता है, हावी होना चाहता है। उस कुफर को आप कामयाब न होने दें, हावी न होने दें, अपने ईमान को कामयाब करें, अपने ईमान को अपने ऊपर मजबूत करें। मस्जिदें बंद करना कोई हल नहीं, मस्जिदों को बंद कर देना गोया कि आपने अपने ईमान के दरवाजों को बंद करना है। ये कुतुक आपको समझ आती है कि ऑनलाइन नमाज हो जाए, ये क्या है? इसको अगर मैं जिहालत का नाम दूं तो वो दोस्त नाराज ना हो कि इससे बड़ी जिहालत क्या है। फिर सारे दुनिया के काम आप ऑनलाइन बैठकर घरों में करें, बच्चों को भी इसी तरह पैदा करें ऑनलाइन, खाने भी ऑनलाइन खाएं, कपड़े भी ऑनलाइन पहने, शॉपिंग भी ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन करते आए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मरे भी ऑनलाइन, कब्र में भी ऑनलाइन के जरिए चले जाएं, आपका जनाजा भी इसी तरह हो जाए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, बात वो करें जो कुछ अकल में, हमारा दीन है, ये दीन फितरत है, अल्लाह ने अकल के मुताबिक हमारे दीन की हर बात आसमान से नाजिल फरमाई, अकल के मुताबिक, और कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसको हमारी अकल कबूल न करती हो, और कोई मुश्किल चीज नहीं। थोड़ा सा तन्हा बैठकर मेरी इन दरख्वास्तों को सोचें और गौर करें। मस्जिदें बंद कर देना ये कोई तुक नहीं, ये मुसलमान को मारने के मुतरादिफ है, फांसी चढ़ाने के मुतरादिफ है, और मुसलमान को गोली मार देने के मुतरादिफ है। हाँ, दूसरी चीजें, एहतियाती तदाबीर को आप इख्तियार करें जो मुमकिन है। अब आइंदा